हेलो एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडियक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। सभी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपना ज़ोडियक साइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो लियोस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो किसी चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने जो है अपने काम पे पीछे बहुत मेहनत की है और किसी तरह की उसके रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीमेंट, अ गुड इंक्रीमेंट और अ प्रमोशन, और आप उसकी वेट कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी तरह के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह की एक एक्सपेक्टेशन जो है आप लोगों में नज़र आ रही है, और जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उनके आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो होपफुल रहिए। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। अगर पास्ट में अभी तक कुछ भी ट्रबल्स चल रही थी या चैलेंजेस चल रहे थे तो वो ख़त्म होने को हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव थ्री ऑफ कप्स। सो मिडल ऑफ द वीक में आप टीम वर्क में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी आपकी अपनी टीम के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ। पर्सनल लाइफ में भी यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, एंड एक अच्छी एक हार्मोनियस एक पीसफुल एनर्जी जो है आप लोगों के लिए नज़र आ रही है मिडल ऑफ द वीक में। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो एंड ऑफ द वीक इज ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर यू। यू आर प्रोटेक्टिव अबाउट योर रिसोर्सेस। पैसों को लेकर आप काफ़ी जो है केयरफुल रहेंगे, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बहुत सोच समझ के आप खर्चा करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जो है किसी तरह की पैसों को रिलेटेड या काम से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी इंटर्नशिप की शुरुआत करें, या कोई ट्रेनिंग लेवल पे या एंट्री लेवल पे जो है काम की शुरुआत करें। आप में से कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर से या यू नो प्लांट से रिलेटेड, कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। किसी तरह का प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है एक ठीक ठाक वीक रहेगा आप लोगों के लिए कमिंग वीक। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। सो वर्गोस, वीक के शुरुआत जो है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। तो किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स।
तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है, आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, किसी नए आइडिया की शुरुआत हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो किसी न किसी तरह की बिगिनिंग देखी जा रही है आप लोगों के लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आप लोगों को। सो एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है वीक का आप लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप और आपके जो पार्टनर हैं किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं साथ में मिलकर। आप ऐसे कुछ लोग जो सिंगल हैं वो किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। प्रॉबेबली यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू योर वर्क। तो एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट रहेगी आपकी वीक की। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मिडल ऑफ द वीक भी जो है प्रोफेशनली काफी अच्छा रहने वाला है। जो एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट हुई थी वो स्ट्रीक जो है मिडल ऑफ द वीक में भी चलेगा। नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, काम को लेकर किसी तरह की गुड न्यूज मिल सकती है। आप काम को लेकर काफी एंथुजियास्टिक रहेंगे, यू विल बी वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स योर वर्क। पैसों के मामले में थोड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे, अपने एसेट्स को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे। काम में ये भी हो सकता है कि आप में से जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो अपने काम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करें। तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस टाइम पे पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है प्रोफेशनल स्फीयर में। पर्सनल लाइफ के लिए भी जो है टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो अ न्यू रोमांस में स्टार्ट एंड प्रोबेबली यू विल मीट दिस पर्सन थ्रू योर वर्क। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। तो किसी तरह की मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है, थोड़े कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप उन चैलेंजेस को हैंडल कर सके। बट यू नीड टू यू नो बिहेव वेरी टैक्टफुली, वेरी डिप्लोमेटिकली। अपने वर्क प्लेस पे आपको बहुत डिप्लोमेसी से चलने की जरूरत है। चीज़ों को बहुत ही पोलाइटली, बड़े प्यार से, बड़े तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। और यही इस चीज़ जो है आपको रिलेशनशिप्स में भी करनी है। थोड़ा इमोशनल मैनिपुलेशन से काम लेना है। कई बार क्या होता है कि अगर हम सीधे तरीके से किसी को कुछ कहते हैं तो उसको शायद समझ नहीं आता है, लेकिन वही बात जब हम घुमा फिरा के बहुत ही एक स्वीट तरीके से करते हैं तो दूसरे हमारी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कई बार जो चीज़ें जो हैं फोर्सफुली या असर्टिवनेस से हम नहीं कर सकते हैं, उनको हम प्यार से करवा सकते हैं। तो वही जो है आपके लिए एंड ऑफ द वीक की गाइडेंस है कि थोड़ा इमोशनली मैनिपुलेट करके आप अपने काम करिए। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ब्लू मून, और कार्ड का मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो वर्गोस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो चीज आप सोच लेते हैं, जो आप ठान लेते हैं, उसको आप जरूर पूरा कर सकते हैं। ये आप अपने जो है जहन में बिठा कर रखिए। तो किसी भी चीज को लेकर पहले ही गिव अप मत करिए। जो भी आपके सामने का कोई टास्क आता है तो या कोई चैलेंज आता है तो आप ये मान के चलिए दैट यू हैव द पोटेंशियल टू डू दैट टास्क। अपने मन में डाउट मत लाइए, अपने टैलेंट्स पे, अपने पोटेंशियल पे डाउट मत लाइए और पूरे पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप काम करिए। हेलो लिब्रेंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द चैरियट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। सो लिब्रंस, एक मिक्स वीक रहेगा आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत काफी बेटर है आप लोगों के लिए, काफी बढ़िया है। द चैरियट कार्ड है तो सक्सेस इज देयर, नेम एंड फेम इज देयर,
मूवमेंट का कार्ड है, किसी तरह का ट्रेवल हो सकता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब से रिलेटेड ट्रेवल करें। मोस्टली ये जो ट्रेवल है काम से रिलेटेड ही रहेगा, बिजनेस या जॉब के सिलसिले में ट्रेवल करना पड़ सकता है। यू हैव कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आपका अपने काम पे भी पूरी पकड़ है और अपने जो है पर्सनल लाइफ पे भी यू आर इन कंट्रोल। तो किसी तरह का रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। अच्छा जो टाइम रहेगा बिगिनिंग ऑफ द वीक आप लोगों के लिए, फोकस जो है आपका अपने काम पे ज़्यादा रहेगा और पर्सनल लाइफ पे थोड़ा जो फोकस है वो कम रहेगा। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मिडल ऑफ द वीक में हो सकता है कि आप लोगों को किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े, हो सकता है पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, दे आर प्लेइंग गेम्स बिहाइंड योर बैक, और उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके पीठ पीछे कहीं कोई आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी अगर कुछ भी पेपर वर्क है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं, तो बिना पढ़े साइन मत करिए, अच्छी तरह से पढ़कर अच्छी तरह से देखकर साइन करिए। कुछ भी अगर डिसीजंस लेने हैं तो पूरी तरह से प्रोज एंड कॉन्स को जानकर अच्छी तरह से सोच विचार करके दूसरों से सलाह लेके फिर आप अपने डिसीजंस लीजिए। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो मिडल ऑफ द वीक इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। तो मिडल ऑफ द वीक में आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से बचें या कुछ भी नया काम शुरू करने से बचें। पर्सनल रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हो, तो या आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपको किसी तरह का जो है धोखा मिल सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एट ऑफ कप्स। सो एंड ऑफ द वीक में आप किसी सिचुएशन से जो है दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यू आर टर्निंग योर बैक टूवर्ड्स सम सिचुएशन। तो हो सकता है कि वर्क प्लेस पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो एंड यू प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम इट, आप उस कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना नहीं चाहते हैं, सो यू आर टर्निंग योर बैक टूवर्ड्स दैट कॉन्फ्लिक्ट, आप उससे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलरली कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ मन मिटाव हो, कुछ झगड़ा चल रहा हो, लेकिन यू डोंट वॉन्ट टू गेट एंटेंगल्ड इन टू दैट। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू एन आर्ग्यूमेंट विद योर पार्टनर, यू प्रेफर टू स्टे अवे, यू प्रेफर टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो आप वहाँ पर रुकने की बजाय आप उस कमरे से निकलना ही पसंद करेंगे ताकि आपको किसी तरह की बहसबाजी में ना पड़ना पड़े। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर लाइफ में अभी तक कुछ चैलेंजेस चल रहे थे तो वो चैलेंजेस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, एंडिंग्स आर ऑन द कार्ड्स एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स। देखिए आप पीठ जो दिखाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, बट दूसरी तरफ क्या है, अ ब्राइट सन, अ राइजिंग सन। सो अगर चैलेंजेस थे तो वो चैलेंज आपकी लाइफ में जो है अभी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड अ रे ऑफ होप इज देयर फॉर यू। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, और कार्ड का मैसेज है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो देखिए जो मैंने अभी बात की थी कि एक जो चैलेंजिंग पीरियड है उसका एंड होता हुआ नजर आ रहा है, और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, चैलेंजेस चल रही थी, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो चैलेंजेस हैं अब आपके लिए खत्म हो रहे हैं एंड अ बेटर टाइम पीरियड इज अप्रोचिंग फॉर यू। हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, Ace of Pentacles. So Scorpios, beginning of the week में एक confusion वाली, एक discord वाली energy रहने वाली है।
किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, किसी डिलेमा में नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। और ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, लेकिन ये जो भी फियर्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है, ये आपकी खुद की क्रिएट की हुई है, इसका कोई रियल बेसिस नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप ये जो अननेसेसरी जो नेगेटिविटी है अपने दिमाग से निकालिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। इस टाइम पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आप मेडिटेशन करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ कप्स। सो अगेन एक फ्रस्ट्रेशन वाली, बोर्डम वाली एनर्जी है, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी बोर्ड नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके काम में जैसा आप चाहते थे चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं, या हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जैसा आप चाह रहे थे, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, इस वजह से आप थोड़े बोर्ड नज़र आ रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि आपका जो सारा फोकस है अपनी रिलेशनशिप में या अपने जो है प्रोफेशनल लाइफ की खामियों पे है। यू आर सीइंग ओनली द नेगेटिव, पॉजिटिव पे आपका ध्यान ही नहीं है, और इस वजह से जो है आप थोड़े ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। तो अगेन आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, चीज़ों की नेगेटिव पर ना जाके चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करिए। एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एंड ऑफ द वीक के लिए जो है काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपके लिए, किसी तरह की नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं, जो है जो प्रोफेशनल लाइफ है किसी तरह का जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो है आपका जो हार्डवर्क है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और आपको जो है कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो किसी न किसी तरह की एक नई बिगिनिंग हो सकती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसी तरह जो है पर्सनल लाइफ में भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू माइट मीट, इफ़ यू आर सिंगल यू माइट मीट अ न्यू पर्सन, इनको आप काम के सिलसिले में मिल सकते हैं, एंड सम इट मे यू नो लीड टू सम फ्यूचर रिलेशनशिप। तो जो वीक है आपके लिए एक प्रॉमिसिंग वीक जो नोट है उस पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। वेनिंग मून और कार्ड का मैसेज है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो जैसे हमने पहले देखा जो वीक का जो शुरुआत है वो आपके लिए काफी एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज वाला है, और गाइडेंस भी आपके लिए यही है that you need to think, you need to reflect that what you need to release. हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे नेगेटिव जो विचार हैं जिनकी वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, कुछ बिटरनेस है, कुछ पास्ट की ग्रजेस हैं, तो उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक आप अंदर की नेगेटिविटी को लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकते, तब तक आप ट्रूली कंटेंटेड नहीं हो सकते। सो दैट यू नीड टू सी, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, मेडिटेट करें, जर्नलिंग करें, सोच विचार करें, अपनी जो सिचुएशन है अपने आसपास देखें, थोड़ा अवेयर होके देखें कि ऐसा क्या है जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आप आगे मूव ऑन कर सकें। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच टैरो रिलेटेड वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।